ठीक है ठीक है। फर्स्ट पे मैयर है, ठीक है। मैयर भी आप प्रेस वन भी प्रेस कर सकते हैं, ये एंटर का ऑप्शन है, ये भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कंप्लीट पैरामीटर है, दोनों से दो और चार भी लगा, ठीक है। यहाँ से बैक आ जाए, ठीक है। यहाँ पे अवेलेबल टेस्ट है, जो भी आपका जो पीछे रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं एग्जाम जितने भी पीछे से लगा, ठीक है। ये उसमें इसमें डाटा भी आ जाता है, इसमें प्रिंट भी निकाल सकता है, जो भी आप निकालना, ठीक है। यहाँ से बैक आ जाए, यहाँ पे इसकी प्रोग्रामिंग है, ठीक है। प्रोग्रामिंग जो आपने कोई एडिट करनी है या किसी का स्टैंडर्ड लगाना है, उसका हमने जो स्टैंडर्ड लगाते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू रिपोर्ट करते हैं, वो भी हमने यहाँ पे जाकर रिपोर्ट करनी होती है। फर्स्ट पे टेस्ट है, टेस्ट करेंगे वन सर पासवर्ड है ऐसी याद नहीं है, ठीक है सर, ठीक है। लाइक आपने क्रेडिटिंग का करना है, ठीक है। क्रेडिटिंग का स्टैंडर्ड जो होता है वो 2.0 होता है, ठीक है। जनरल पे फर्स्ट पे क्रेटिनिन 2 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। उसके बाद सेटिंग में कैनेटिक मोड है, ठीक है। आप इसकी चेंज कर सकते हैं। एंड पॉइंट है कौन सा, लिटरेचर के ऊपर सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। लिटरेचर कहाँ से आएगा, लिटरेचर जो किट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे इसकी वेरियंट आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगा 400 जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये 400 आ गया। टी फैक्टर को नहीं करना, डिले टाइम ये चीज़ें होती है, ठीक है। ये 20 होता है, ये 30 होता है, हर पैरामीटर के हिसाब से टाइम डिफरेंट हो सकता है। उसके बाद कैलिब्रेशन में 1 पॉइंट है, ठीक है। नेम एसटीडी स्टैंडर्ड है, ठीक है। एसटीडी, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ से इसको डिलीट करके, ठीक है, 2.0, ठीक है। इसका ग्राफ चेक कर सकते हैं, ग्राफ से जाना, ठीक है। अब एक क्रैटिन लगाएं, ठीक है। मैं आपको बता दूँ दो चीज़ें आपकी जो आपने, एक ये मेजर वाला, दूसरा प्रोग्राम ठीक है, बाकी वो कहीं भी नहीं आएगा, आप लगाएं ये, ठीक। ये जीवित भाई, अगर कोई पैरामीटर इसमें मतलब कि कैलकुलेट ना हुआ होगा उसको हमने करना है, जैसे कि नहीं है हमारे पास हीट आई है, जैसे आयरन की आ गई है, ठीक है, तो उसे कैलकुलेट करना हो तो उसे प्रोग्राम आयरन की प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी सबसे पहले, लिटरेचर के मुताबिक आपको लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, आप मुझे कॉल कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको फोन पे बुलाऊंगा, इस तरह का पैरामीटर आता है ना, कॉल कीजिएगा, आप लिटरेचर सामने रखिएगा, मैं उसके मुताबिक आपको करवा दूँगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें कहाँ है, आपका क्या नाम है? फहीम। चलिए ये मैग्नीशियम है, इसमें मेथड पे डिपेंड करता है कि कौन सा मैग्नेट मेथड आपके पास कम हो रहा है। अच्छा जी, टेक्नोलॉजी डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिटरेचर हैं इसके अंदर, ये इंग्लिश में मजबूत देखना चाह रहा हूँ, मैथड टेक्निक डिफरेंस तो दिया उन्होंने, खैर ये भी किसी और लैंग्वेज में। एनीवे ये आपके पास रेंजेस उन्होंने लिख दी हैं, इसी तरह अगर आप प्रोग्राम में जाते हैं तो आपके पास उन्होंने पूरी रेंज लिख दी कि टेस्ट रेंज क्या आगे अलग होगा, सही है। वेरिएशन आपके पास आ जाती है, सेंसिटिविटी डिटेक्शन आ जाती है, क्या वेरिएशन होगी, किन पैरामीटर की वजह से वैल्यूज के स्पेसिफिकेशन, जो उसके मेथड आ गया जो आपने वहाँ पर अभी मेथड लिखा है, वो पूरा मेथड इसके अंदर आपके पास अवेलेबल है, किसकी क्या प्रोटोकॉल है, क्वालिटी कंट्रोल्स आपके पास, ये है कैलिब्रेशन की टेक्निक जो उन्होंने उसमें लिखी है, मैग्नीशियम का स्टैंडर्ड है उसका क्या प्रोटोकॉल होगा, एब्जॉर्बेशन क्या होगी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं आपके पास। लेकिन बात यह कि अगर आप इसको स्टडी करके समझ सकते हैं तो वेरी गुड, अदरवाइज इतना आसान होता नहीं हर किसी के लिए, क्योंकि जो प्रॉपर रेगुलर प्रोग्रामर होता है वो उस चीज़ को समझता है, बन जाते हैं यार। हाँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब मेरे लिए कोई इशू नहीं है, हमने भी इसी तरह की प्रैक्टिस करनी पड़ती है इस चीज़ की, क्योंकि मशीन के अंदर हर एक प्रोग्राम फीड करने का प्रोटोकॉल होता है डिफरेंट है, इस मशीन का डिफरेंस है, इसका डिफरेंस, इसका सॉफ्टवेयर कुछ और है, इसका कुछ और है, पहले तो आपको इसका समझ आना चाहिए कि ये क्या कहना चाह रहा है, और देन फिर इस दोनों के प्रोग्राम आपको समझ आना चाहिए, ये प्रोग्राम आप दोनों में फिट कर सकते हैं, इस तरह के फिट होती है। सही है, तो मैग्नीशियम को ही पकड़ें तो हम क्या कहेंगे, मैग्नीशियम को अगर पकड़ते हैं, इसके अंदर आपके पास जो मेथड इसमें लिखे हुए हैं
अच्छा जी, और कंपनी ने डायलॉग वो मैग्नीशियम वाई एम कंपनी ने अवेलेबिलिटी ऑफ सक्सेस 81 सैंपल गिवन फॉलोइंग द रूल्स। अच्छा जी, कैलिब्रेशन द एस रिक्वायर्ड द यूज ऑफ मैग्नीशियम स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड आपके या कैलिब्रेटर्स में मौजूद होगा किट के अंदर जिसके बारे में लिख रहा है। वी रिकमेंड द डेलॉग मैग्नीशियम स्टैंडर्ड एंड द डेलॉग मल्टी कैलिब्रेटर सीरम डायलॉग सचिन असाइन वैल्यू हैव बीन मेड ट्रेसिबिलिटी टू द रेफरेंस मेथड एटॉमिक ऑब्जर्वर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एएस। अच्छा जी, इसके ऊपर जो वो होगा स्टैंडर्ड होगा उसके ऊपर वैल्यू मौजूद होगी इसकी, ऐसा ही है। अच्छा जी, ये रेफरेंस एसेस किया गया है सैंपल 1, 2, 3, सही हो गया। अच्छा, कुछ कंपनी एक और काम भी करती हैं, वो आपको पूरा लिटरेचर लिख के डाल देंगी, एक्चुअल प्रोग्राम वो खा देंगी, जो कि मुझे भी नहीं नज़र आ रहा है। मैं अभी वही चीज़ देख रहा हूँ कि जो आपका इनेटेक या वो कह रहे थे वो कहीं है ही नहीं, कहीं भी इसमें इन्होंने लिखा नहीं। उसका रीज़न ये होता है कि सामने वाला जो भी कंपनी है वो हमारे इंजीनियर तक बाउंड रहा है। बिल्कुल सही, मतलब ये चाइनीज कंपनीज की पॉलिसी है ये, कहीं तो हम तो फिर वे आउट क्या है, यानी फिर हम ज़ाहिर है रिजल्ट्स रिलायबल ही नहीं होने अगर हम रैंडमली रन कर देंगे विदाउट प्रॉपर कैलिब्रेशन। उसमें नहीं, उसके अंदर प्रोटोकॉल जो होता है कि जो ट्रेंड इंजीनियर होता है उसको मालूम होता है कि स्टैंडर्ड लेवल मार्केट का जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर क्या स्टैंडर्ड की वैल्यू है, सपोज मैग्नीशियम का स्टैंडर्ड है, मुझे इस पर मालूम हो जाएगा कि इसके अंदर क्या कंसंट्रेशन मुझे दे रहा है और क्या चीज़ें हैं और ये वैल्यूज़ कहाँ कहाँ अवेलेबल हो सकती हैं, कंसंट्रेशन 3 ml, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास मौजूद होती हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू आपके पास ये मौजूद है, मिली मोल्स में जाएंगे तो 0.82, अगर आप उसको मिलीग्राम में जाते हैं 2 mg/dL। अब ये चीज़ें जो हैं मार्केट में जो काम कर रहे होते हैं उनको एग्जैक्टली आइडिया होता है कि ये कहाँ है, ये कहाँ है, लिटरेचर में क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो सेम होती हैं, जस्ट नाम से चेंज हो रही होती हैं कंपनी वाइज। तो ये सारी चीज़ें, तो हमने मैग्नीशियम रन करना हो तो अभी हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम का प्रोग्राम आपको अगर लेट्स सपोज इसमें हुआ हुआ है, मैग्नीशियम का प्रोग्राम आप करेंगे इसके अंदर और देन एज प्रोटोकॉल आप इसको रन कर देंगे। अब जिस तरह हमने स्टैंडर्ड की अभी क्रिएटिनिन की वैल्यू 2 डाली थी, इसे अगर प्रोग्राम करने के बाद वहाँ पर भी अगर मिलीग्राम में रिजल्ट देना चाहते हैं तो कंसंट्रेशन की वैल्यू 2 है। जिससे पहले का प्रोग्राम है ये काइनेटिक है, एंड पॉइंट है या फिर वो किस टेक्निक पर है, वो सारी चीज़ें अगर लिटरेचर में नहीं मौजूद तो हमें मालूम है कि मैग्नीशियम जो पैरामीटर होता है वो एंड पॉइंट के टेक्निक पर चल रहा होता है। हम एज पर एक्सपीरियंस जो है उसमें एंड पॉइंट यूज़ करते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर अब तक एंड पॉइंट जो टेक्निक है एंड पॉइंट पर चल रही होती है। तो इसको जो टाइम प्रोटोकॉल होता है वो हम स्टैंडर्ड किट्स जो मार्केट में चल रही थी, जो जैसे पहले मर्की किट्स आती थी या मजीद जो किट्स आती थी, हमें मालूम होता था कि उसके अंदर जो प्रोग्राम था वो इस टाइम प्रोटोकॉल तक फीड होता था, वही टाइम हम यहाँ फीड करते हैं। अब अगर कहीं रिजल्ट में हमें फील होता है कि 19-20 वेरिएशन है तो ये हम अपने एक्सपीरियंस देखते हैं कि जी हमारे पास हमने ये टाइम सेट किया था और इतनी वेरिएशन आ रही है, इसका मतलब कि इस टाइम और इस टाइम के दरमियान जो रिएक्शन हुआ है उसने डिले किया है या अर्ली हो गया है, हम उस टाइम को कम या ज़्यादा उस वक्त करते हैं। सही, क्योंकि बहुत सारी कंपनी जो है किट्स खा जाते हैं, उसका रीज़न ये है चाइनीज़ हैं, वेरिएशन डिपेंड करती है मशीन के ऊपर। आपको नहीं मालूम कि इस किट को इस मशीन पर लगाने के बाद क्या वेरिएशन है, और नहीं मालूम कि सेकेंडली मशीन पर लगती है वहाँ क्या, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च तो मशीन, ये तो वो किट्स होती हैं जिन पर रिसर्च चल रही होती है आपके रीजन, आप इसका भी लोगों में बेच सकते हैं मार्केट में, बेचो चाइना ज़्यादा ऐसा बेच रहे हैं वो प्रॉपर रिसर्च करके तुम अभी चीज़ें बेच रहा होता। बिल्कुल, तो इस तरह की वजह से बहुत सारी चीज़ें लिटरेचर के फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं, चीज़ें खा जाते हैं। हामिद तुम रन कर सकते हो अभी मैग्नीशियम इजीली? क्रिएटिनिन का प्रोग्राम है ना सर, क्रिएटिनिन का प्रोग्राम रन कर रहे हैं ना, मैग्नीशियम रन करना पहले कर रहे हैं, क्रिएटिनिन कर इसकी जोरदार सुन रहा सर, ये देखो -0.006 सेंटर हुआ है, ये माइनस का मुझे अभी ये तो खैर कंट्रोल नहीं, माइनस नहीं हुआ बट 2 हुआ है, 2 मिलीग्राम पर डीएल तो हो गया। अब ये प्रीवियस थी, दोबारा कैलिब्रेट तो करें उसको, आपने कैलिब्रेट किया कब किया था ये? मैंने कुछ दिन पहले किया था सर, जब आई थी मैंने स्टैंडर्ड लगाया था, दोबारा लगाया, रेटिंग सही नहीं आई थी, दोबारा लगाया ना इशू, ग्राफ क्या है इसका, रिवर्स आया हुआ ग्राफ, नो इशू।